हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं मार्केट का किस तरीके से बिहेवियर बना रहा आज पूरे दिन, और किस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग यहां पर आ जाते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर में क्या ऐसा सिनारियो बन रहा है जिससे हम लोगों को कल जो है वो बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है। लेट से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अभी हम लोगों को दिख रहा होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है निफ्टी में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बराबर से किस तरीके से बन रहा है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम का जो वॉल्यूम के साइड का जो रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कोई भी येलो कलर हम लोगों को यहाँ पर नहीं दिख रहा, और अभी यहाँ पर सपोर्ट जो है वो 22,000 पर स्ट्रांग बना हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट इसके एक्सटेंशन से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों को तय है कि ये चीज होने वाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है ना, दोनों का रोल जो होता है वो करीब करीब सिमिलर होता है, दोनों का रोल जो है वो हमें कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट क्यों नहीं आया, क्यों मार्केट आया नीचे की तरफ और रिट्रेस होके ऊपर गया, मैंने ये देखा साइडवेज टू अप ट्रेंड, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, इस तरीके का करीब करीब मार्केट हम लोगों को दिखा आज। करेक्ट, यहाँ पर देखो एक चीज, ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं ना कि इस चीज को देखते नहीं है। ठीक है, हाँ वॉल्यूम स्ट्रांग है, दोनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, एक्सटेंशन से बस घुसना है हम लोगों को, कुछ कुछ प्रॉपर काम नहीं करना। ठीक है ना, मैं जो सिनारियो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, बिल्कुल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग वाला सिनारियो है। और यहाँ पर देखना सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप था, अब ये क्या हुआ, यहाँ पर टॉप था, ये शिफ्ट हुआ है। ठीक है ना, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है, येलो कलर आपको दिख रहा है लेकिन ये शिफ्ट हुआ है यहाँ से यहाँ पर। आप देखो जाकर के हिस्टोरिकल डेटा में 175 यहाँ पर था, यहाँ पर दिख रहा है अभी 164, ये 164 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप था। ठीक है ना, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप था, अब ये शिफ्टिंग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शिफ्टिंग हो चुका, मतलब क्या, इसका वीक टूवर्ड्स टॉप का काम हो चुका है। ठीक है, अब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम बन रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब क्या, ऑप्शंस के जो राइटर थे उनका जो ओपन इंटरेस्ट है वो अब हो चुका है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। 21,800 पर ये लोग पुट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर 22,500 की तरफ ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और ये इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि 21,100 पर कॉल राइटर यहाँ पर बने हुए। ठीक है, अब देखो किस तरीके का सिनारियो बन रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या निकल करके आ रहा है, 91,985। हम लोग क्या करेंगे, 985 पर हमारा एक्सटेंशन ड्रॉ कर लेंगे। लगभग वहीं से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर एक एरिया जो था वो हम लोगों को सपोर्ट का दिख रहा था, वहां से डॉट टू डॉट सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ गया है, इसी एरिया से मार्केट जो है वो रिवर्स किया हुआ है। ठीक है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ तक गिरा और वापस रिट्रेस करके ऊपर जा चुका है। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन हुई, हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना होगा। तो 22,132 का हम लोगों को आ रहा है 132, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं उसको करीब करीब यहाँ पर मार्केट देखो। ठीक है, और हम लोगों का बेस लाइन जो है, इंडिकेटर का बेस लाइन जो है उसका भी रेजिस्टेंस करीब करीब लिया और मार्केट वहां से क्या कर गया, ड्रॉप कर गया। मेरी जो पोजीशन थी वो फिन निफ्टी में गई थी आज, तो फिन निफ्टी में कल और आज मिला करके प्रॉफिट बन गया। ठीक है, और यहाँ पर देखना करीब करीब ये जो सिचुएशन दिख रही है आपको, ठीक है, ये साइडवेज वाला एरिया है, ये साइडवेज वाला एरिया है, तो हम लोगों को साइडवेज टू निगेटिव मार्केट अभी जाता हुआ दिख रहा है। तो इसमें ट्रेड किस तरीके से किया जाए, ठीक है ना, यही हम लोगों को देखना है, ट्रेड किस तरीके से किया जाए। तो ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें हम लोग, तो ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को कहाँ पर दिख रहा है, तो 22,500 पर है, सेकंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस 21,100 पर है। हम लोग और इसके नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, 21,100 का हम लोग 200 भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीके? तो हम लोगों को दिक्कत कोई बात की है नहीं, यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या करते हैं, देखो मैं पूरी स्ट्रैटेजी बना करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो 132 का है, हम लोग 200 का कॉल सेल करें। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कॉल हम लोगों को सेल करना है, करेक्ट। और सपोर्ट की अगर बात करें तो
सपोर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बेस लाइन का भी सपोर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों को मार्केट में थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए, तो 800 का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट सेल कर सकते हैं, जो कि हम लोगों को लगभग लगभग सेम स्ट्राइक प्राइस का मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो कि आपको ये चीज सेल करना है अभी, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस चीज को सेल कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। हेजेस बाय कर लेते हैं, हेज हमको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक दो दो रुपए वाले हम लोग आउट ऑफ द मनी जा करके बाय कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी सेम लॉट जाएगा, चार चार लॉट जाएंगे, ठीक है। और क्वांटिटी इसमें सेलिंग में जा सकती है, 5 लॉट हमारे सेलिंग में चले गए, ठीक है। दैट्स इट, करेक्ट। और भी क्वांटिटी जाएगी पर ज्यादा हम लोग नहीं करते। देखो प्रॉफिट रेशो जो है वो आपका 7400 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि ये प्रॉफिट आपको मिल सकता है, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर आज तो मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर की तरफ आप लोग कहाँ तक सिक्योर हो, तो ऊपर की तरफ ब्रेक इवन आपका आ रहा है 22,250 का ब्रेक इवन आ रहा है। हम लोगों को जस्ट 22,000 के आसपास हम लोगों को मतलब रुकना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पर देखते हैं हम लोगों को थर्सडे के दिन क्या मिल सकता है, ठीक है। तो हाँ, ये 22,000 तक, 3,000 का स्टॉप लॉस हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं, 7,000 11,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से ये बना, और 17 तारीख को ये हमें 7,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग जाए उस पे तो 11,000 का प्रॉफिट हम लोगों को इस्टीमेटेड मिल रहा है। मतलब मैक्सिमम पे ऑफ जो है वो आपको 11,000 का मिलेगा, 5 लाख का नियर अबाउट आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर आपको ये चीज हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब मतलब इसमें और एक चीज आप कर सकते हो, इसका जो स्ट्रैंगल का जो लॉट है वो 4 कर लो, ठीक है। और सिमिलर जो आपको स्ट्राइक प्राइस में मिल रहा होगा, सिमिलर स्ट्राइक प्राइस में मतलब जो भी आपको कॉल पुट सिमिलर में मिल रहा होगा, मैं इसको ये वाला एक लॉट सेल कर देते हैं, और ये वाला एक लॉट सेल कर देते हैं, दैट्स इट। इस तरीके से भी आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। जहां पर आपको 7,000 का प्रॉफिट मिलने वाला था, वहां पर आपको 8,300 का प्रॉफिट मिलेगा, और थोड़ा सा ये चीज भी आपको अच्छे से काम में आने वाली, तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो ब्रेक इवन रहेगा कल के लिए आपका 170, 22,170, और नीचे में आप सिक्योर रहोगे 21,860 तक, ठीक है। 860 तक आप सिक्योर है, 870 तक आप नीचे आपकी सिक्योरिटी, 860 या 870 तक, यहाँ तक आपकी सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें देखते हैं कि मार्केट में अब डेटा क्या बना हुआ है, मैंने यह स्ट्रैटेजी आपको बता दी। देखो करीब करीब हम लोगों को 15 तारीख का डेटा जो था वो FIs जो थे इसमें माइल्ड बुलिश थे, ठीक है, और प्रोज जो थे वो भी मीडियम बुलिश ही नजर आ रहे थे। इसके लिए मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ पहले गया, ठीक है, क्योंकि बुलिश है, इनकी पोजीशन पहले एग्जिट होगी, रेजिस्टेंस हिट किया, वापस ये आया। अब मेरा ऐसा अंदाजा है कि यहाँ तक ये नीचे आ सकता है, 800 के लेवल के आसपास ये मार्केट नीचे प्रोबेबली आ सकता है, ठीक है ना। आएगा ऐसी गारंटी नहीं, क्योंकि हम लोग फिबोना के रिट्रेसमेंट भी करके अगर देखे यहाँ पर, तो उसी तरीके का वो चीज हो रहा है। देखो यहाँ पर ही आपका 50% का लाइन निकल करके आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक का मतलब 800 के आसपास का आपका निकल करके आ रहा है, तो ये नीचे रिट्रेस करके आ सकता है, फिर एक बाउंस करेगा ऊपर की तरफ। इस तरीके का मार्केट आपको दिख सकता है, पर आपको LTP कैलकुलेटर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पुट का और कॉल का ट्रेड मिल जाएंगे। एक एक बार ही लेना है, कब लेना है ट्रेड, एक एक बार ही लेना है, ठीक है ना। तो अगर ये चीज मतलब इन डिटेल्स में यहाँ पर नहीं सिखा सकता, बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। अगर आपको कंप्लीट सीखना है तो आप कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हो, मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मुझे कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है, फेब्रुवरी मंथ का बैच मुझे ज्वाइन करना है, तो आप कम्युनिटी बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, उस पर इंक्वायरी करो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम लोगों को आज का डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है। 16 तारीख का डेटा हम लोगों को देखना होगा कि हाँ इसमें ये लोग क्या करके गए। स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब करीब इनका माइल्ड बियरिश पोजिशन ही है, ठीक है, माइल्ड बियरिश पोजिशन है। स्टॉक्स के अंदर भी बुलिश पोजीशन है, 1,000 करोड़ की बाइंग हुई थी कल। आज देखते हैं कि आज मार्केट में क्या सिनारियो रहा, ठीक
ये सिनारियो नंबर वन है, जहां पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में हम लोगों को बताया गया है कि सपोर्ट अगर स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल का ट्रेड, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड मिलेगा। इसका मतलब क्या, आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल का ट्रेड लेना है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। पर ये मैं सजेस्ट, मतलब रिकमेंड क्यों नहीं करूंगा, आप कर सकते हो, नो डाउट, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। पर आपको जहां पर पहले मिलेगा, सपोज ये सपोर्ट पे मिला, तो पहले सपोर्ट का ट्रेड लेना, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस पे मिला तो फिर बाद में आप रेजिस्टेंस का ट्रेड भी ले सकते हो, बट कितनी बार लेना है, एक ही बार सपोर्ट का और एक ही बार रेजिस्टेंस का, बार बार दूसरी तीसरी बार ये नहीं करना है, ठीक है। और ऑप्शन सेलर के मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बता दी है कि आप 800 का पुट यहाँ पर और 20,200 का कॉल आप लोग सेल करके रख सकते हो। मार्केट अगर साइडवे जाएगा, इस एरिया में घूमेगा, तो आपको बहुत अच्छा क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। एक दिन के डीके में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने बना करके भी मतलब दिखा दी, इस तरीके से आप लोग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मैं बहुत अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट आप किस तरीके से ऑप्शन बाइंग में फॉलो कर सकते हो, इसका वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है, शेयर करो। और नए लोग जो है वो अगर ऑप्शन बाइंग की नई सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे ऊपर प्रेस करो, तो आपको वो वीडियो जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखते हैं कि क्या बना करके रखा था, थोड़ा सा यहाँ पर रेंज में जो है ना, ये बना करके रखा था मैंने करीब करीब कॉल और पुट का, ठीक है। अब ये क्या है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों को जो है वो इस तरीके का कुछ कुछ ट्रेड दिखेगा, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम लॉस कितना है, 5,300 का। ये इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो 5,300 का लॉस मैक्सिमम होगा इसमें, ठीक है, इतना ही लॉस होगा। और तीन तीन लॉट डाले आप एक लॉट में कर सकते हो, एक लॉट में आप देख लो कि कितना है मैक्सिमम लॉस, इस एरिया तक आपको इतना ही होगा। और नीचे अगर गिर गया तो मार्केट में आपको 20,000 का लॉसेस मैक्सिमम हो सकता है, अनलिमिटेड लॉसेस नहीं, पर प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑब्वियसली बात है, हम लोग ये इतना लॉसेस तो नहीं लेने वाले, ठीक है, कोई स्टॉप लॉस होगा, कोई टारगेट होगा हमारा, कुछ तो हमने किया होगा। अब तीन लॉट के अंदर मेरा है, वन लॉट पर लॉट जो है वो 1,000 रुपीज का मैं लॉसेस दे सकता हूँ। तो तीन लॉट के अंदर मैं कितना लॉसेस दूंगा, तीन लॉट के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा तीन लॉट में मैं 3,000 का यहाँ पर स्टॉप लॉस देने वाला हूँ। तो मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3,000 का, और टारगेट जो रहेगा वो 9 से 10 हजार का मेरा टारगेट रहेगा, जो कि मार्केट यहाँ से, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो कहाँ तक मुझे ये हिट कर सकता है। अभी इसका तो समझो स्टॉप लॉस गया, ये 3,000 में मैं मतलब निकाल दिया, इस तरीके से समझो। नया अगर स्ट्रैटेजी बनाना है तो हम लोगों को किस तरीके से अब स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, उसके हम लोग बात कर लेते हैं। चलो मैं आपको एक नया स्ट्रैटेजी बिल्ड करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नया स्ट्रैटेजी जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। थोड़ा सा एक्सपायरी अलग ही ले लिया हम लोगों ने करके इसका। आप अगर वीडियो को लाइक जरूर लाइक करोगे तो मैं आपको, मतलब मार्केट बुलिश रहेगा तो किस तरीके का यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनने वाला है वो हम लोग बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको इसका वीडियो भी ला, देखो यहाँ पर 900,000 रुपये का एक लॉट के अंदर लॉस हो सकता है, ठीक है, लॉस हो सकता है। पर अगर ये 22,000 का 22,100 तक गया, 100 तक गया, तो 1,500 का प्रॉफिट मुझे पर लॉट इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो अब समझो कि इसमें मुझे अगर 150 पॉइंट, जो कि निफ्टी इजीली कर रहा है, 3,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 9,000 रुपये में, मतलब तीन लॉट के अंदर मैं 9,000 रुपये इजीली प्रॉफिट यहाँ पर बना सकता हूँ। ये इन डिटेल में स्ट्रैटेजी समझनी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना न्यू स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। और ये सब कुछ अगर आप मैनर में सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नंबर ऊपर डिस्प्ले पर आ रहा होगा आपको न्यू कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, ऐसे ही मैं बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बिल्ड करने वाला हूँ अभी, ठीक
आपको जरूर उसके बारे में बताऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच।